13 दिसंबर 2023 को संसद में जो कुछ भी हुआ उसने 22 साल पुरानी खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है। साथ ही याद ताजा कर दी है देश के उस सबसे बड़े गुनहगार की जिसने लोकतंत्र के मंदिर पर हमले की खौफनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था। 22 साल बाद संसद में कुछ घुसपैठियों ने या कहें देश के भटके हुए युवाओं ने नापाक हिमाकत करने की कोशिश की तो खौफ का वो मंजर जिंदा हो उठा। मसूद की वो नापाक हरकतें फिल्म की तरह नजरों के आगे से होकर गुजरने लगी। ऐसे में देश के इस दुश्मन के बारे में हर कोई जानना चाहता है। संसद हमले के गुनहगार मसूद अजहर के बारे में इन दिनों जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक वो इस्लामाबाद में स्टेट गेस्ट की हैसियत से एक महफूज ठिकाने पर रहकर ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। जिहादी समूहों के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन पर वैश्विक जांच के बावजूद अजहर का जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, जिसका एकमात्र ध्यान भारत को निशाना बनाने और देश के भीतर सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देने पर है। अजहर भारत में एक नहीं बल्कि कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। संसद हमले के अलावा मसूद 2016 में हुए पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। उसने 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और युद्ध के मंडराते खतरे के बावजूद पाकिस्तान ने जनवरी 2002 में अजहर को आतंकवादी घोषित किया और तत्कालीन तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के तहत जैसे मोहम्मद को आतंकवादी समूह घोषित किया। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अजहर को लगातार बचाया जा रहा है। अजहर का प्रभाव जैश ए मोहम्मद में अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो अपने परिवार के करीबी सदस्यों को जैश ए मोहम्मद और उसके प्रमुख संगठनों में प्रमुख पदों पर रखता है। उसका छोटा भाई अब्दुल रऊफ असगर अलवी आतंकवादी समूह के दिन प्रतिदिन के मामलों की देखरेख करता है, जबकि परिवार के दूसरे सदस्य प्रशिक्षण, संचालन और वित्तीय गतिविधियों में अहम भूमिका निभाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद है। 55 साल का आतंकवादी शायद ही कभी पाकिस्तान के बहावलपुर में अपने मदरसे मरकज़े उस्मानो अली जाता होगा। मसूद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसे गोद में बिठा रखा है।